ये एमआरआई है एक लेडी का जिन्होंने कि हमें रिकॉर्डिंग से मना किया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ दी एमआरआई हैं सारे, और राइट साइड अपन जैसे जाते हैं यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अच्छा खासा कंप्रेशन है मेन कॉर्ड के ऊपर, और अगर अपन नीचे जाते हैं बटन होल्स में तो आप देखेंगे कि इस लेवल पर ये दबाव है, इस वजह से इनको राइट साइड में पिंडली पर बहुत ज्यादा दर्द है। अगर हम एक्सियल व्यू देखें तो नीचे ये डिस्क, ये स्पाइनल कॉर्ड, दोनों तरफ की स्पाइनल नर्व, ये सारा क्लियर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे दोनों तरफ नर्व के ऊपर प्रेशर है, इसके नीचे का एमआरआई बिल्कुल क्लियर है। L4-5 डिस्क जिसका कि राइट साइडेड इसको रेडिएशन हो रहा था, ये मैंने प्रोसीजर चालू किया, पहला पिक्चर है, इंट्रा डिस्कल में प्रोसीजर कर रहा हूँ, और ये पहला पिक्चर आप देख रहे हैं, इंट्रा डिस्कल नीडल मेरी जा रही है, ये एपी वेव है जिसमें नीडल आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में चली गई है। उसके बाद ये लैटरल व्यू है जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन अगर आप देख सकें तो ये नीडल मेरी सेंटर ऑफ द डिस्क में है। मैंने इंट्रा डिस्कल, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ओजोन डाल सकता था, मैं पीआरपी डाल सकता था, या फिर मैं स्टेरॉयड डाल सकता था। पेशेंट ने मुझे पीआरपी डालने से मना किया, इसलिए मैंने इस पेशेंट को स्टेरॉयड डाला है, स्टेरॉयड विद लोकल एनेस्थेटिक एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैंने साथ में इसको टारगेटेड एपिड्यूरल भी लगाया, L5-S1 के रूट के भी सिम्टम थे, ये आप मेरी नीडल देख रहे हैं। उसके बाद ये मैंने लैटरल व्यू लिया, और ये आप डाई का स्प्रेड देख रहे हैं एपिडर्मल स्पेस में। ये फिर से अपन एपी वे में आते हैं, एक गुड डाई स्प्रेड। अब आप देखेंगे कि ये L4 रूट की तरफ भी जा रहा है, और ये S1 रूट भी दिख रही है, सॉरी L5-S1। और ये मेरा फाइनल पिक्चर है जिसमें मेरा डाई अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, ये दोनों तरफ वो तीनों रूट्स मेरे को दिख रही हैं। तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली अच्छा पेन रिलीफ है। थैंक यू।